वेलकम बैक टू सिलेक्शन एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में बात करी थी। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट उसका डिटेल में समझाया था। आज मैं एक और वीडियो आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ और ये एक सिंपलेस्ट वे है नेचुरल लॉ थ्योरी को समझने का। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि पूरा का पूरा जो नेचुरल लॉ स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस है, जो इनका थॉट है, वो बेसिकली उनका जो आइडिया है दैट इज़ प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। तो नेचुरल लॉ थ्योरी पूरा का पूरा अपना बेस जो है, पूरा थीम जो है उसका, वो किस पर है? प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन पर। और डार्क एजिस के दौरान सेंट थॉमस एक्विनास ने ये तो हमें बता ही दिया था कि नेचुरल लॉ के चार सोर्सेस हैं। कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ गॉड, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ डिवाइन एंड लॉ ऑफ मैन। और इन चारों का एक कॉमन पर्पस क्या है? दैट इज प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। तो जब हम लॉ ऑफ गॉड की बात करते हैं, तो हम किसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की बात करेंगे? रिलीजन को। जब हम लॉ ऑफ नेचर की बात करेंगे, तो हम किसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की बात करेंगे? नेचर को। जब हम लॉ ऑफ डिवाइन की बात करेंगे, तो हम प्रोटेक्ट करेंगे और प्रिजर्व करेंगे स्क्रिप्चर्स को। और जब हम लॉ ऑफ मैन की बात करेंगे, तो हम प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर, जो हमने गिव एंड टेक रिलेशनशिप किया है उनको। तो जब हम लॉ ऑफ गॉड की बात करते हैं और हम रिलीजन को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की बात करते हैं, तो हम बिलीफ और फेथ के बेसिस पर अपने रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपेगेट करने की बात करते हैं। जब हम नेचर की बात करते हैं, तो नेचर में हम किसको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, किसको प्रिजर्व करने वाले हैं? वाइल्ड लाइफ हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, रिवर्स होंगी हमारे, या जितने भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। लॉ ऑफ डिवाइन में हम जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, कुरान, बाइबल, गीता, उसके बारे में बात करेंगे। और लॉ ऑफ मैन में हम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर बेस्ड है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट में सब कुछ माइंड अप करेंगे। लॉ ऑफ गॉड। लॉ ऑफ गॉड मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इटर्नल एंड विच इज़ इनडेस्ट्रक्टिबल, जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, जो अविनाशी है, जो सनातन है, जो भगवान है या जो अल्लाह है। तो जब हम भगवान की बात करते हैं, हमारे दिमाग में कुछ ऐसी सी इमेज आती है। तो भगवान क्या कॉन्सेप्ट लेकर आता है? ये लाते हैं हमारे दिमाग में एक आइडिया रिलीजन का। और जब हम बात रिलीजन की करते हैं, तो अपने अपने धर्म को प्रैक्टिस करना, उसको प्रोफेस करना और उसको प्रोपगेट करना, ये क्या है? हमारा अधिकार है। और ये जितना भी कॉन्सेप्ट है गॉड का, किस पर बेस्ड है? फेथ पर बेस्ड है। फेथ मीन्स डिवोशन पर बेस्ड है, एंड नो वन इज गोइंग टू चैलेंज इट। एंड द फेथ मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंग ट्रस्ट इन रिलीजन, कि जो आपको पढ़ाया गया है या जो आपको भगवान के लिए सिखाया गया है, वो बिल्कुल सही है। जब हम जनरल कॉन्टेक्स्ट में लॉ ऑफ गॉड की बात करते हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज में हम रिलीजन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और पढ़ते हैं आइडिया गॉड का। लेकिन जब हम इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, तो हम हिंदुइज्म की बात करते हैं और हिंदुइज्म इज मच मोर फोकस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वे ऑफ लाइफ। दे डू नॉट बिलीव इन वन पर्टिकुलर गॉड और वन पर्टिकुलर रिलीजन। एज फार एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ ऑफ गॉड, जो नेचुरल लॉ का एक पार्ट है, वो कहाँ पर डिस्क्राइब करा गया है? आर्टिकल 25 में, दैट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट? नाउ द सेकेंड लॉ इज, सेकेंड क्लासिफिकेशन एज पर थॉमस एक्विनास इज लॉ ऑफ डिवाइन। लॉ ऑफ डिवाइन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अल्लाह का एक बंदा है, उसने आकर अपनी सारी की सारी जो रिविलेशंस हैं वो हमें करी हैं, और उसके लिए हमने एक किताब बना दी है। तो बेसिकली जब हम लॉ ऑफ डिवाइन की बात करते हैं, हम स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं जो रिलीजन टू रिलीजन वेरी करती हैं। जैसे कुरान हो गया, बाइबल हो गई, बुद्धिज़्म की अलग किताब है, हिंदुओं की गीता हो गई, सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब हो गई, राइट? और जैनिज्म की अलग हो गई, जूस की अलग हो गई। तो ये सब किस में आते हैं? मैसेंजर ऑफ गॉड में स्क्रिप्चर्स आते हैं। और अपने स्क्रिप्चर्स को प्रोटेक्ट करने का और प्रिजर्व करने का
हमें पूरा अधिकार है, राइट। द थर्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू थॉमस एक्विनास ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल इज लॉ ऑफ नेचर। तो जब हम लॉ ऑफ नेचर की बात करते हैं, अर्थ, वाइल्ड लाइफ और रिवर्स और नॉर्मल जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें क्या आता है, एनवायरमेंट आता है, वाइल्ड लाइफ आती है, एंडेंजर्ड स्पीसीज आते हैं, रिवर्स आती हैं, और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जब हम लॉ ऑफ नेचर की एप्लीकेबिलिटी करते हैं तो हम पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, क्लाइमेट कंट्रोल का कॉन्सेप्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम वो कन्वेंशन साइन करते रहते हैं या ट्रीटी साइन करते रहते हैं कन्वेंशन के थ्रू, वो सारी की सारी इसमें हम पढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ ऑफ नेचर आर्टिकल 48A में रिफ्लेक्ट होता है। एग्जाम्पल है हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज लॉ ऑफ मैन, दैट इज बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। जैसा हमने पहले वाले वीडियो में जब नेचुरल लॉ का डिटेल डिस्कशन करा है उसमें हमने सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ही जो है थीम पढ़ा है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किस पर बेस्ड है, बिलीफ पर बेस्ड है। एंड वॉट डू मीन बाई बिलीफ, बिलीफ का मतलब होता है किसी के ऊपर विश्वास करना, और उसके विश्वास पर हम जब रिलाई करके उसको अपना लीडर चुनते हैं तो हम उसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। बेसिकली बिलीफ एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, इसमें डिवोशन हो भी सकता है, डिवोशन नहीं भी हो सकता। हाँ, इसमें हम किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को भी मान सकते हैं, किसी पर्टिकुलर आइडियल को भी मान सकते हैं, या हम भगवान को भी मान सकते हैं। तो बेसिकली जो एक मुद्दे की बात यह है कि बिलीव का मतलब यह है कि आपने किसी के ऊपर भरोसा करा है और उस भरोसे के बेसिस पर आपके साथ किसी तरह का कोई एक एग्रीमेंट होने वाला है। तो जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करते हैं तो अपने भरोसे पर हम लोगों ने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, रशिया और UAE। मैंने अभी ये चार चार ही आपको दिए हैं, बाकी जिस भी कंट्री का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं भी है तो वो किस पर बेस्ड है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर बेस्ड है। आई होप आपको ये समझ आ गया है नेचुरल लॉ, और इसका क्लासिफिकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मुझे इंकरेज करिए कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊँ आपके लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।